अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी ठीक ठाक होंगे, बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये हम अपने गांव से मतलब अपने टाउन से बाहर निकल रहे हैं, वहाँ का व्यू दिखा रही हूँ मैं आप सभी को। और हमारे जो वीडियो का आगाज़ है मतलब ब्लॉग का, कितना खूबसूरत हुआ है, आप सभी ज़रूर कमेंट करके बताना कैसा लगा आपको। हमारे यहाँ जो हज़रत ताजुद्दीन बाबा रहमतुल्लाह अलैह, उनका मतलब उर्स शुरू है। और मतलब अभी कैसा है कि कोरोना की वजह से वहाँ पर मतलब बंदिश लगी हुई है कि अभी कोई जा नहीं सकता। हर साल बहुत धूमधाम से मनाया जाता है उर्स, बट इस साल कुछ भी नहीं है ऐसा। तो वो क्लिप मेरे को भाई ने सेंड किया था ड्रोन कैमरे से, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। दरबार का जो व्यू है ना, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो मैंने सोचा चलो आप सभी से शेयर करती हूँ। और ये देखिए गर्मी कितनी चिलचिलाती, मतलब धूप दिख रही है आप सभी को, बहुत ही ज़्यादा हमारे इधर ना अभी गर्मी हो रही है। और मैंने सोची चलो मैं जा ही रही हूँ तो आप सभी को मतलब हमारा जो नागपुर मेट्रो है, जो माजी मेट्रो, उसका भी मतलब सैर करा ले आती हूँ। हाँ अभी तो शुरू होने की है 2022 में, वैसे उसे चालू हो जाना था बट अभी ये कोरोना की वजह से वर्क काफ़ी ज़्यादा स्लो हो गया है। और हमारे जो महाराष्ट्र में ना बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है कोरोना, मतलब काफ़ी ज़्यादा पेशेंट रोज के आ रहे हैं और मतलब मौतें भी बहुत ज़्यादा हो रही है इस बीमारी से, इस वबा से। बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि ये बीमारी ख़त्म हो जाए जल्दी से। तो ये देखिए पिल्लर दिख रहे हैं आपको यहाँ से, मतलब अभी एंड है इतना काम, इसके आगे जाना है जहाँ से हम अभी आए हैं हमारे घर के तरफ से, पूरा ही जाना है ये और आगे तक जाना है मतलब। तो ये देखिए यहाँ से मतलब थोड़ा वर्क रुक गया है और ये बीच से देखिए काफ़ी ज़्यादा हो गया है। ये डबल डेकर ब्रिज जो कहते हैं ना, वो बन रहा है ये। और पहले तो ऐसे कुछ नहीं था, तो रोड मतलब जो रास्ता है काफ़ी खुला खुला लगता था। यहाँ स्टेशन बनेगा इसलिए, देख सकते हैं आप। और ये पिलर देखिए कितने हैवी पिलर बने हैं मेट्रो के। इंशाल्लाह जब भी चालू होंगी हमारे यहाँ मतलब नागपुर में मेट्रो, तो उसमें भी आप सभी को घुमा ले आऊँगी, मतलब उससे भी मतलब घूम कर वो भी वीडियो शेयर करूँगी आप सभी के साथ। फिलहाल अभी आप ये देखिए वर्क शुरू है। और पहले जो है ना रोड जो रास्ता है काफ़ी ज़्यादा खुला खुला चौड़ा भी लगता था, और अभी काफ़ी ज़्यादा मतलब कंजेस्टेड हो गया है रास्ता। और भीड़ भी आप देख सकते हैं, इतना ज़्यादा कोरोना फैल गया है तब भी भीड़ हमारे यहाँ कम नहीं हुई है। यानी अभी कैसे यहाँ की गवर्नमेंट ने ये कह दिया है कि आपकी सेफ्टी आपके हाथों में है, आपको पता होना चाहिए आप किस तरह, यानी किस तरह से कितने अच्छे से ये बीमारी से मतलब लड़ सकते हो, अपने आप को बचा सकते हो। तो वो सारा सॉल्यूशन जो भी है सब कुछ आप करें, आपके ऊपर डिपेंड है ऐसा करके। तो ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ से व्यू। और ये सायोना पब्लिक स्कूल, जो यहाँ के देखने वाले हैं मतलब जो मेरे सिटी से होंगे तो वो तो सब जान गए होंगे कि ये मैं कौन सी जगह आप सभी को बता रही हूँ। तो चलिए आप सभी वीडियो एंजॉय करें। मुझे थोड़ा मतलब पर्सनली कुछ काम भी था तो इसलिए भी मैं बाहर निकली थी, बाकी तो कोई मुझे उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है बाहर जाने की। और ज़्यादातर तो मैं इग्नोर ही करती हूँ बाहर जाना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो तभी बाहर निकलती हूँ, नहीं तो स्किप करती हूँ बस। तो बने रहें आप सभी मेरी वीडियो के साथ। और हाँ, जो जो फ्रेंड फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो ऑल वेल के साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारी YT फैमिली मेंबर बने, हमारी YT फैमिली का हिस्सा बने। और प्लीज़ नेगेटिविटी ना फैलाएं मेरे यानी चैनल पर। मेरी वीडियो को पहले आप अच्छी तरह से वॉच करें और उसके बाद मतलब लेटर दें। और दो चार टॉपिक है, कुछ बातें हैं, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करूंगी वो बातें विद प्रूफ। तो बने रहे हैं आप सभी, हमारी जो नागपुर मेट्रो है, माजी मेट्रो है, उसे एंजॉय करें। ये देखिए यहाँ पर भी डबल डेकर ब्रिज, मतलब इतना काम हो गया है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम हो गया है मतलब। और ये हमारे जो सिटी का व्यू है,
कहीं कहीं मतलब भीड़ कम थी और कहीं कहीं बहुत ज़्यादा भी थी। अब कैसा है, लोगों को ज़रूरत है बाहर निकलने की, बहुत ज़रूरी है, तभी बहुत से लोग निकल रहे हैं। नहीं तो ऐसे किसी को इतना ज़्यादा ये नहीं रहता है शौक कि मतलब बाहर निकले बिना वजह। ये देखिए, पहले तो इतना कुछ चेंजेस नहीं थे, ये सब अभी हमारे यहाँ मतलब सिटी में सब कुछ मतलब अभी बन रहा है, न्यू न्यू काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं। और पहले इतना ज़्यादा मतलब वर्क नहीं था, इतना ज़्यादा कुछ बना भी नहीं था। अभी काफ़ी ज़्यादा अच्छे कॉलेज यानी सब कुछ बहुत ही अच्छा हो गया। मीहान भी हमारे सिटी में बना है, मतलब मीहान मतलब कैसे समझाऊँ आपको। चल खैर छोड़िए, अगली वीडियो में ज़रूर समझाऊँगी, बताऊँगी डिटेल में। अभी तो फिलहाल आप इंजॉय करें और हमारे जो सिटी का व्यू है वो देखें। और क्या, देखते रहे आप सभी, इंजॉय करें। ये पेट्रोल पंप आ गया है, और जहाँ हम रहते हैं ना उधर साइड मतलब कार का शोरूम जो है ना बहुत ज़्यादा है। किया कभी आपने देखा होगा शोरूम, तो मतलब हम आउट साइड रहते हैं तो आउट साइड में जो अच्छे अच्छे मतलब ब्रांडेड जो कार रहती है तो उसके शोरूम ज़्यादा रहते हैं। ये तो अभी हम सिटी में आएंगे, देखिए आइनॉक्स जो है पूरा खाली है, देख सकते हैं आप। नहीं तो यहाँ तो पैर रखने को जगह नहीं रहती, इस कदर की भीड़ रहती ही है कि जिसकी हद नहीं। तो ये सारा ही व्यू टू मैंने अपने सिटी का करा दी हूँ आप सभी को, सारा नहीं कराई हूँ, और भी बचा है। इसके आगे तो मैं नहीं गई हूँ, इंशाल्लाह वो भी ज़रूर कराऊंगी। और आगे भी बहुत खूबसूरत है मतलब हमारी सिटी, सभी की रहती है अपने अपने तरीके से, हर किसी का नज़रिया रहता है और सभी को मतलब अपने जो सिटी है सभी को यानी प्यार रहता है, लगाव अलग रहता है और सभी के लिए अपनी सिटी बेस्ट रहती है बस। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो मार्केट एरिया है वो लग गया है, और ज़्यादा उतनी भीड़ नहीं है यहाँ। तो फाइनली हम पहुंच गए जहाँ मुझे बहुत ज़रूरी काम था। तो वहाँ से मैं देखिए यहाँ पर टॉप एंड कुर्तियाँ कितनी प्यारी प्यारी लगी हुई है। तो मुझे फ़िलहाल तो शॉपिंग का ऐसा कोई इरादा नहीं था, शॉपिंग करने तो मैं नहीं आई थी, तो बस खड़े खड़े थोड़ा सा सूट कर ली, आप सभी को बता दूँ। और इसके आगे और जाएंगे तो वहाँ बहुत ही अच्छे अच्छे कलेक्शन है, बहुत ही अच्छी अच्छी ड्रेस है, तो वहाँ तो मैं नहीं गई थी, इतना ही गई थी। इसके आगे का इंशाल्लाह ज़रूर आपको नागपुर का अच्छी तरह से मतलब व्यू दिखाऊंगी, सिटी हमारी घुमाऊंगी अगले ब्लॉग में नहीं, इंशाल्लाह फिर कभी मतलब जब भी जाना होगा तब। तो बने रहें मेरे वीडियो के साथ, मेरे चैनल के साथ, और न्यू मेंबर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। उम्मीद करती हूँ आप सभी को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। अपनी दुआओं में याद रखिए, अपना ध्यान रखिए। फिर मिलती हूँ इस वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।